नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हमारे देश में सिर्फ शहर ही नहीं, गांव में भी LPG गैस सिलेंडर घर घर इस्तेमाल होने लगा है, लेकिन ज्यादातर लोग इस पर मिलने वाले इंश्योरेंस के बारे में नहीं जानते हैं। गैस कंपनियों की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस इंश्योरेंस कवर के तहत सिलेंडर के चलते होने वाले किसी भी प्रकार की दुर्घटना में जान माल की हानि होने पर 50 लाख रुपए तक का बीमा क्लेम किया जा सकता है। आज हम आपको इस इंश्योरेंस के कवर के बारे में बता रहे हैं। हादसा होने पर 40 लाख रुपए का बीमा कवर होता है, जबकि 50 लाख रुपए सिलेंडर फटने पर मौत होने की सूरत में क्लेम किए जा सकते हैं। दुर्घटना में पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम 10 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति दी जा सकती है। वहीं व्यक्ति की मौत होने पर अधिकतम 6 लाख रुपए का मुआवजा प्रति व्यक्ति मिलता है। इसके अलावा परिवार वालों के इलाज के लिए अधिकतम 15 लाख यानी 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति का कवर मिलता है। प्रॉपर्टी में नुकसान होने पर 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस क्लेम किया जा सकेगा। सिलेंडर खरीदते वक्त ही उसका इंश्योरेंस हो जाता है जो सिलेंडर की एक्सपायरी से जुड़ा होता है। अक्सर लोग सिलेंडर के एक्सपायरी डेट चेक किए बिना ही इसे खरीद लेते हैं। ऐसी स्थिति में आप इंश्योरेंस के लिए क्लेम करने का हकदार नहीं रह जाते हैं। हर गैस सिलेंडर पर जहां रेगुलेटर लगाया जाता है वहां पर D20 या ऐसा ही कुछ अक्सर लिखा होता है। यह गैस सिलेंडर की एक्सपायरी डेट को दर्शाता है। यहां पर D20 का मतलब है कि गैस सिलेंडर की एक्सपायरी डेट दिसंबर 2020 है। इसके बाद गैस सिलेंडर का उपयोग करना खतरनाक हो सकता है। ऐसे सिलेंडर में गैस लीकेज और अन्य तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। गैस सिलेंडर के सबसे ऊपर रेगुलेटर के पास जो 3 पट्टी होती है उनमें किसी एक पर A, B, C या D लिखा होता है। गैस कंपनी हर एक लेटर को 3 महीनों में बांट देती है। यहाँ पर A का मतलब जनवरी से मार्च और B का मतलब अप्रैल से जून तक होता है। इसी तरह से C का मतलब जुलाई से लेकर सितंबर और D का मतलब अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का होता है। अगर आपने गैस सिलेंडर एक्सपायरी डेट के बाद खरीदा है तो उस सूरत में कोई क्लेम नहीं बनता, यानी आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए जरूरी शर्त यह भी है कि मुआवजा राशि तभी दी जाएगी जब हादसा किसी रजिस्टर्ड निवास पर हुआ हो। घटनास्थल वाले आवास का पता पंजीकृत होना चाहिए। यह घटना जिस भी शख्स के साथ हुई हो उसके परिवार वाले इस नियम के दायरे में माने जाएंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि बीमा कवर की रकम पाने का पूरा प्रोसेस क्या है। सबसे पहले लोकल पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाएं। अपने गैस डिस्ट्रीब्यूटर को FIR की एक प्रति यानी फोटोकॉपी सौंप दें। आपका डिस्ट्रीब्यूटर FIR को तेल कंपनी के पास ट्रांसफर कर देगा। अब बीमा कंपनी की एक टीम जांच के लिए घटनास्थल पर आएगी। जांच करने और सिलेंडर से हुए नुकसान का पता लगाकर क्लेम की राशि यही टीम तय करेगी। तेल कंपनी क्लेम की राशि अपने वितरक यानी गैस एजेंसी को भेज देगी, जो बाद में ग्राहक या उसके परिवार के लोगों को दे दिया जाएगा।